Aluminium Zindabad! 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 इसका उद्देश्य ये है कि भारत के जो कर्णधार थे उनके कुछ सपने थे, भारत के लोगों को अपने अधिकारों से परिचित कराना और कोई गलती होगी तो उसका संशोधन करना, भारत के जो पड़ोस में देश हैं वो भारतीयता से ओतप्रोत लोगों को बार बड़े तंग करते थे और वो शरण लेने के लिए भारत आते थे और उनके लिए भारत के महापुरुष भी चाहते थे कि वो भारत के नागरिक बने और उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, उसके लिए भारत के संसद ने जो संशोधन किया है हम उसके स्वागत में और उसके सम्मान में और लोगों के हम कदम बनने के लिए ये आयोजन रखा है। उनका फिर भी कहीं इसका विरोध भी हो रहा है, क्या मायने क्या मतलब है? उनके व्यक्तिगत स्वार्थ है, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है इसलिए विरोध हो रहा है, ये कारण है। मानव कहीं पर भी हो वो पूंजी है और अगर अनुशासित मानव है, मर्यादित मानव है, संस्कारित मानव है वो किसी देश के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू है वो सहनशील है, दूरदर्शी है और कर्मठ है, पुरुषार्थी है और सत्यनिष्ठ है। अगर वो कहीं से आएगा, बौद्ध आएगा तो वो अपने साथ अपनी सूझबूझ लेके आएगा, अपने बच्चों को लेके आएगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी।